हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय मिनी ब्लॉग। हम जा रहे हैं गली के बाहर क्योंकि हमारा बेस्ट फ्रेंड वेट कर रहा है, जिसके घर में पूजा है। हमें केले और आम के पत्ते लेके आने हैं। बाहर आने के बाद ये रहा हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम प्यार से गोलू मोलू कहते हैं। इसे हैंडशेक करने के बाद हम सीधे जाएंगे आकाश के घर की तरफ। आकाश हमारा बचपन का बेस्ट फ्रेंड, ये रहा हमारा दोस्त जो हमें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है। उसके बाद हम सीधे जाएंगे इसके बाग की तरफ। अब हम बाग के अंदर एंट्री लेते हैं, उसके बाद हमें केले के पत्ते मिल जाते हैं। फाइनली हम केले के पत्ते ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और स्ट्रगल करते हैं। कल रात बारिश हुई थी, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कीचड़ है, तो हम अंदर जाके आम के पत्ते लेके आते हैं। और फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई, जिसके बाद हम अपने फ्रेंड को सी ऑफ करके निकल चलते हैं गोलू मोलू के घर की तरफ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा सामान लाना बाकी है। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो देखते हैं हमारे पत्ते आधे से ज्यादा टूट चुके हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके बाद निकल जाते हैं बाकी सामान लेने। जब तक हमारा फ्रेंड सामान ले रहा है, हम तब तक अपना वेट मेजर कर लेते हैं। और ये क्या, हमारा वेट तो पहले से ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ये 3 दिन से हमने कोई भी डाइट फॉलो नहीं करी है। हम चलते हैं अपने घर फटाफट, क्योंकि हमें उसके बाद खटीमा भी जाना है। तो फटाफट से गोलू को बाय बोलते हैं, बाय गोलू मोलू। और इसको बाय बोलने के बाद हम सीधे चलते हैं अपने घर की तरफ। वो घर से रेडी होकर फटाफट से गली के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड आने वाला है। जैसे हम गली के बाहर पहुंचते हैं, देखते हैं, ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत जल्दी आ गया। उसके बाद तेल भराते हैं और निकल चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है। बीच रास्ते में पड़ता है चक्रपुर मंदिर, जिसके दर्शन हम वापस आपको आके कराएंगे, क्योंकि हमें अभी प्रयास हॉस्पिटल भी जाना है। प्रयास हॉस्पिटल हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड को दवाई भी लेनी है। चलिए चलते हैं प्रयास हॉस्पिटल के अंदर, जिसके बाद हम सीधे जाएंगे वेटिंग रूम में। हमारा फ्रेंड वापस दवाई लेके आएगा, उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने घर की तरफ। घर जाते जाते हमें रास्ते में मिलती है शंकर भोले की मसूर लस्सी, जिसका स्टॉक खत्म हो चुका है। हमारी किस्मत खराब है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं दूसरे लस्सी कॉर्नर पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अंकल बहुत ही प्यारे तरीके से लस्सी बना रहे हैं, जिसके बाद हमें अंकल लस्सी सर्व कर देते हैं। लस्सी पी के हम सीधे चलते हैं घर की तरफ। घर जाने से पहले हम ले लेते हैं ब्रेड, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड से मिलवाना है आपको। और ये रहे हमारे बहुत सारे फ्रेंड, जो कि हमारा बहुत देर से वेट कर रहे थे। हम रोज आते हैं और इन्हें ब्रेड खिलाते हैं। और ये क्या, ये तो ब्रेड के लिए लड़ाई करने पड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, ये लो ये लो ये लो ये ले भाई, तू भी ले ले। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम फाइनली पहुंच जाते हैं चक्रपुर मंदिर। और हमारे साथ साथ आप भी भोले भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और कमेंट में जय भोले लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दर्शन करने के बाद हम निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। और सामने पहाड़ों का व्यू तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। कोई बात नहीं, हमें अभी लेट हो रहा है, हम सीधे जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड के घर लंच पे भी जाना है। जिसके बाद हम अपनी गली के बाहर पहुंच जाते हैं और हमारा फ्रेंड हमें रिसीव करने के लिए आ जाता है। जैसा कि हमें भूख भी बहुत तेज से लगी है, उसके बाद हम जाएंगे सीधे अपने फ्रेंड के घर पे। हम फाइनली उसके घर पे पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं लंच करने। लंच करते करते हम बहुत सारी बातें भी करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत नींद आने लगती है, तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। इसके साथ साथ हमारा मिनी ब्लॉग यहीं एंड होता है। बाय बाय।